नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों फाइनली एनटीपीसी की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नया जारी हो चुका है। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो भर्ती है बिल्कुल सीधी भर्ती है, ठीक है। तो सीधी भर्ती के माध्यम से आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपकी कोई भी एग्जाम जो है नहीं होने वाली है। बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है एनटीपीसी की तरफ से, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है। तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइज, आप सभी कैंडिडेट जो है मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। इस साल 2023 की ये नई भर्ती है एनटीपीसी की तरफ से। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक मिलेंगे, डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी जैसा कि रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, इन सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम आपको रोजाना सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले देते हैं। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipswarrantbus.xyz। दोस्तों यहां पर आप विजिट करेंगे तो आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। आप चाहे तो इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे आप सीधा वेबसाइट पर आ जाएंगे, नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज की नई भर्ती के बारे में जो कि एनटीपीसी की नई भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी की नई भर्ती के बारे में जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है, वैकेंसी डिटेल्स में आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्रोफाइल यानी कि कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। नंबर वन जो वैकेंसी है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की है और नंबर टू जो वैकेंसी है असिस्टेंट कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, ठीक है। दोस्तों वहीं इसकी वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है तो 120 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। सैलरी आपको 55,000 रुपए पर मंथ मिलेगी, ठीक है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो एज पर रूल्स रहेगा। हाँ, आपका एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया की है और ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है 35 साल रखी गई है। अगर आप मैक्सिमम 35 ईयर के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज का रिलेक्सेशन भी आपको मिल रहा है यानी कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं जैसा कि एससी एसटी ओबीसी एनसीएल के तो आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी के लिए 300 है, एससी एसटी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है और पेमेंट सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप बैचलर डिग्री पास है रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वही दोस्तों बात की जाए इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे तो यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स के सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो 23 मई तक आपको अप्लाई करना है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, ठीक है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एनटीपीसी की तरफ से। ये नोटिफिकेशन एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। एडवाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 04/2023 यहाँ पर रिलीज किया गया है। कौन कौन सी प्रोफाइल है, दोनों प्रोफाइल यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की आप देख सकते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 100 वैकेंसीज है। वहीं असिस्टेंट कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी जो है इलेक्ट्रिकल के अंदर है, टोटल 20 वैकेंसी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो है फिक्स टर्म बेसिस पे यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज है जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं, जनरल ओबीसी एसटी एससी एसटी टोटल वैकेंसी कितनी है, अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहाँ पर दिया गया है। तो कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।